अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की दूसरी जमात सबक 9 में दिए गए सवालों के जवाब बताने जा रही हूँ। सबक 9 बादशाह और बीरबल, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इसके अल्फाज के माना भी बता चुकी हूँ। अब आगे देखेंगे सवालात के जवाब। मंदजा जाय सवालात के जवाब लिखे। बच्चों, सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? सवाल नंबर 1 है, बच्चों सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? जवाब, सच और झूठ में 4 उंगल का फ़र्क होता है। सवाल नंबर 2, ये सवाल अपने दरबारियों से किसने पूछा? जवाब, ये सवाल अपने दरबारियों से अकबर बादशाह ने पूछा। सवाल नंबर 3, बीरबल के अलावा किसी और ने भी इस फ़र्क को बताया था? जवाब, नहीं, बीरबल के अलावा किसी और ने इस फ़र्क को नहीं बताया। सवाल नंबर 4, बादशाह बीरबल की किस बात से खुश हुए? बादशाह बीरबल की किस बात से खुश हुए? जवाब, बीरबल झूठ और सच और झूठ का फ़र्क ठीक तरह से समझाया, इसलिए बादशाह बीरबल से खुश हुए। अब आगे हम देखेंगे सही लफ्ज़ के सामने सही और गलत लफ्ज़ के सामने गलत का निशान लगाएं। यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, सामने में बॉक्स है, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, जो लफ्ज़ गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। सबसे पहला है बादशाह, ये सही है। दूसरा है सवाल, ये गलत है। सवाल हम जब लिखते हैं तो सीन से लिखते हैं, छोटी सीन से, यहाँ स्वात का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये गलत है। फ़र्क, ये सही है। सही, ये भी सही है। ताजुब, ये गलत है। यहाँ तो का इस्तेमाल किया है ताजुब में, जब हम लिखते हैं तो यहाँ ते से लिखते हैं। जवाब, सही है। बहुत गलत है, यहाँ बड़ी हे का इस्तेमाल किया गया है, बहुत में हम छोटी हे का इस्तेमाल करते हैं। खुश, ये सही है। अब आगे है मंदरजा ज़ैल अल्फाज की जमा लिखे। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसका हमें जमा लिखना है। वाहिद अल्फाज दिए गए हैं और उसका हमें जमा बनाना है। जवाब, जवाब का जमा, जवाब की जमा जवाबात। आँख, जमा आँखें। फासला, जमा फासले। बादशाह, जमा बादशाह हो। सवाल, जमा सवालात। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। खुदा हाफिज़।